नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा जगदीश। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों। पन्ना जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ी पड़िया में वित्तीय वर्ष 2011-12 में लगभग 2 करोड़ की लागत से निर्मित वृंदावन बांध, जिसमें पहले ही वर्षा के दौरान दरारें पड़ने से पानी का रिसाव होने लगा था। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर पूर्व कलेक्टर शिव नारायण सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर बांध का निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारियों ने बांध मरम्मत के नाम पर बेस्ट वेयर की ऊंचाई घटा दी, जिससे इस बांध में पानी भरने की वजह कम ऊंचाई के कारण बेस्ट वेयर से बहकर बर्बाद होने लगा, जिससे 5 गांव को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाकर लाभान्वित करने वाली योजना के तहत इस बांध से केवल 1 ही गांव के किसानों को पानी मिल पा रहा है। वर्तमान बांध की बेस्ट वेयर का निर्माण चल रहा है, जिससे वाइब्रेटर नहीं चलाया जा रहा है, लोहे का नाम मात्र इस्तेमाल किया जा रहा है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे बेस्ट वेयर की गुणवत्ता में सवाल खड़े हो रहे हैं। इस स्थानीय किसानों का कहना है कि इस बांध को सिंचाई विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अवैध कमाई का जरिया बना लिया गया है, जिससे मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए का बंदरबांट हो रहा है और किसान आज भी पानी की उम्मीद में आंस लगाए बैठे हैं। तो वहीं इस कार्य को देखते हुए एक बार फिर ग्रामवासियों द्वारा सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को फोन के माध्यम से सूचना दी गई। तभी सूचना प्राप्त होने के बाद उक्त कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए वर्तमान एसडीओ एवं सब इंजीनियर द्वारा निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को समझाइश दी गई और कार्य में सुधार करने के लिए आदेशित किया गया। टीवी न्यूज के लिए पन्ना से रजनीश रामदेव की रिपोर्ट।